जनरली हम सब इंतजार करते हैं कि देश का बजट आए और फाइनेंस रिलेटेड क्या क्या चेंजेस है उसमें हमें पता लग जाए। पर आज हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? बिकॉज इस बार जब बजट आया था एंड हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस की थी एज इन्वेस्टर्स, ऐसा तभी कुछ बड़ा हुआ नहीं था। लेकिन 24 मार्च को ही ना फाइनेंस बिल 2023 में कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए। लोकसभा में उस दिन 64 अमेंडमेंट्स के साथ फाइनेंस बिल 2023 पास हुआ। इस बिल में कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनका हम पर एज इन्वेस्टर्स इम्पैक्ट आ सकता है। तो वीडियो में आगे बात करते हैं अबाउट मेजर अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंस बिल, डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या चेंजेस किए गए हैं और भी कई सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो वेल, दिस इज भूमिरंगा हियर और एंजल वन के चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी की। दिस इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स। अभी तक अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 इयर्स से ज्यादा के पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ता था, विच वॉज अंडर दिस लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट। लेकिन अब अनाउंस किए गए चेंजेस के कारण ये LTCG टैक्स बेनिफिट्स डेट म्यूचुअल फंड से हटा दिए गए हैं। ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टर्स के लिए स्लाइट नेगेटिव ही है, क्योंकि अब आप चाहे जितने ही सालों के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टेड रखें, आपको उसे राइजिंग इनकम पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल के बाद आप जब भी किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब जो टैक्स एप्लीकेबल होगा विल ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट इनकम टैक्स स्लैब्स इन विच द इन्वेस्टर फॉल्स। ये नए टैक्स रूल्स विल अप्लाई ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 और ये नया चेंज डेट म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज में जरूर इम्पैक्ट करेगा। पर अगर देखें तो इनडायरेक्टली ये बैंक्स को बेनिफिट जरूर कर सकता है, मेकिंग डेट फंड्स एंड बैंक डिपॉजिट्स एट पार विद ईच अदर। अब शायद इन्वेस्टर्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स चूज कर सकते हैं ओवर दीज डेट फंड्स। दूसरा की चेंज है टुवर्ड्स दी STT ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। फाइनेंस मिनिस्टर ने F&O ट्रेडिंग पर 25% से STT को बढ़ा दिया है। वेल, ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इस पॉइंट पर काफी कंफ्यूजन भी रहा है मार्केट में, लेकिन क्लैरिफिकेशन आया है कि ऑप्शन सेलिंग पर अब 0.0625% STT प्रपोज्ड है फ्रॉम दी अर्लियर 0.05%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है तो अब 1 अप्रैल 2023 से पर आपको 6,200 रुपीज का STT पे करना होगा। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर्स की सेलिंग की बात करें तो अभी 0.01% से ये बढ़ गया है अप टू 0.0125%। 1 करोड़ के टर्नओवर पे अभी तक जो आप 1,000 रुपीज पे कर रहे थे STT, अब वो 1,250 रुपीज हो जाएगा। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ऑप्शन सेलर्स पर जरूर देखने मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले पार्टिसिपेंट्स पर ये इंक्रीज्ड STT ज्यादा भारी पड़ सकता है, कंसिडरिंग देयर ह्यूज टर्नओवर इन कंपैरिजन टू ऑप्शंस ट्रेडर्स। फाइनेंस बिल में सम चेंजेस ऑल्सो रिलेट टू GST Appellate Tribunal at Large. Lok Sabha have made changes in the bill, paving way to set up the Appellate Tribunal GST के अंदर के disputes के resolutions के लिए। Currently, अगर अभी टैक्स पेयर्स को कुछ इश्यू आता है तो वे रिट पेटिशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल है ही नहीं। पर इस अमेंडमेंट के चलते अब GST Appellate Tribunal would be set up in every state और एक प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में भी होगा, which will hear appeals as well. चलिए आखिर में बात करते हैं about amendments in REITs and InvITs. इनके अंदर जो इन्वेस्टर का कैपिटल कलेक्ट होता है वो इन्वेस्ट होता है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, और इनमें जो रिटर्न्स होते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इन्वेस्टर्स। एंड इन्वेस्टर्स को इससे जनरेट होती हुई इनकम पर टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अब गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है सम टैक्स रिलीफ फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ REITs एंड InvITs। इनकम का कुछ हिस्सा प्रपोज हो रहा है टू बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ कैपिटल, जिससे इन्वेस्टर्स को अब अपनी इनकम पर कम टैक्स पे करना होगा, और वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट में से निकालकर जो बैलेंस अमाउंट है उसी पर टैक्स देना होगा। सो ये थे 4 ऐसे मेजर चेंजेस दैट हैव बीन अनाउंस्ड इन द फाइनेंस बिल 2023 दैट हैज बीन पास्ड इन द लोकसभा। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि ये जो सारे चेंजेस हैं वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गए हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। आपके इन अमेंडमेंट्स पर क्या विचार है हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.